हाय, आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स की ये क्वेरीज आ रही थी कि हम अपने शेयर्स किसी दूसरे ब्रोकर से ग्रो के डीमैट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मदद से ये बताएंगे कि आप किसी दूसरे ब्रोकर से अपने शेयर्स को ग्रो के डीमैट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ CDSL की एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट के ट्रांसफ़र का प्रोसेस बताएंगे। NSDL के लिए हम बहुत ही जल्द एक और वीडियो पोस्ट करेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप अपने पास अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के डीमैट अकाउंट नंबर और ग्रो के डीमैट अकाउंट नंबर दोनों रेडी रखिए। अगर आपको ये नंबर नहीं पता तो बस अपने ब्रोकर को मेल करके CMR कॉपी मंगवा लीजिए और इसी में आपको ये नंबर मिल जाएगा। ग्रो के ऐप में अकाउंट डिटेल सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले CDSL के ईजीएस्ट नाम के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और वहां से शेयर्स ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी। तो चलिए पहले हम आपको ये समझाते हैं कि ईजीएस्ट पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको www.cdslindia.com की वेबसाइट पर विजिट करना होगा और वहाँ न्यू सिस्टम माई ईजी पर क्लिक करना होगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टेप नंबर टू, इसके बाद आपको टू रजिस्टर फॉर ईजीएस्ट क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने क्लाइंट आईडी और DP ID एंटर करने का ऑप्शन आएगा। ध्यान रहे कि यहाँ आपको ग्रो का क्लाइंट आईडी और DP ID एंटर नहीं करना है, बट आपको अपने पुराने ब्रोकर के डिटेल्स एंटर करने होंगे। आपके डीमैट अकाउंट नंबर के फर्स्ट 8 डिजिट्स आपकी DP ID को रिप्रेजेंट करते हैं और नेक्स्ट 8 डिजिट्स आपकी क्लाइंट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप नंबर फोर, इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP एंटर करके आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। स्टेप नंबर फाइव, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही ये सभी डिटेल्स फिल करनी होंगी। अकाउंट टाइप में आपको ट्रस्टेड अकाउंट पिन सिलेक्ट करना होगा। स्टेप सिक्स, इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इसमें आपको अपने ट्रस्टेड अकाउंट डिटेल्स एंटर करने हैं। ट्रस्टेड अकाउंट डिटेल्स मीन्स आपके न्यू ब्रोकर की डिटेल्स जिसमें आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इस केस में क्योंकि आप अपने शेयर्स ग्रो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको अपने ग्रो डीमैट अकाउंट की डिटेल्स एंटर करनी होंगी। आप ये सारी डिटेल्स CMR कॉपी में देख सकते हैं या फिर आप ग्रो ऐप के पर्सनल डिटेल्स सेक्शन में जाकर भी ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आपका ग्रो डीमैट नंबर एक 16 डिजिट का नंबर होता है जो 120887 के साथ स्टार्ट होता है। स्टेप सेवन, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ग्रुपिंग के नाम से होगा। ये स्टेप तभी ज़रूरी है अगर आपके पास CDSL के और भी डीमैट अकाउंट्स हैं किसी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और आप उन्हें भी ऐड करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। स्टेप एट, सो फाइनली CDSL के ईजीएस फैसिलिटी पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद आपको CDSL से 3 ईमेल्स आएंगे। पहला ईमेल रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का ईमेल होगा। सेकंड और थर्ड ईमेल्स में आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, यानी कि लॉगिन आईडी, पासवर्ड और पिन। ईजीएस्ट पे अकाउंट बनाने के बाद अब अगर आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको ईजीएस्ट के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे लिंक को फॉलो कर सकते हैं और ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर वन, ईजीएस्ट पे लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल के थ्रू जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिसीव हुए थे वो एंटर करके लॉगिन करना होगा। स्टेप नंबर टू, लॉगिन करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन टैब में सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टेप नंबर थ्री, फिर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी और यहाँ आपको बल्क सेटअप के बटन पे क्लिक करना होगा। स्टेप फोर, बल्क सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप एग्जीक्यूशन डेट में आज की डेट सिलेक्ट करें और काउंटर BOID वाले फील्ड में अपने ग्रो का डीमैट अकाउंट नंबर सिलेक्ट करें। आपको एक्सचेंज आईडी, काउंटर पार्टी एक्सचेंज आईडी, मार्केट टाइप काउंटर पार्टी मार्केट टाइप, सेटलमेंट आईडी और काउंटर सेटलमेंट आईडी जैसी फील्ड्स को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जिन भी स्टॉक्स को ट्रांसफ़र करना है उनका ISIN, क्वांटिटी और रीज़न फॉर ट्रेड एंटर करना होगा। अगर आपको ISIN की डिटेल्स नहीं पता तो आप अकाउंट ISINs बटन को क्लिक करके अपने सारे शेयर्स देख कर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी में आपको वो नंबर ऑफ शेयर्स एंटर करना है जितने आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। कंसिडरेशन अमाउंट एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो आप उसे स्किप कर दीजिए और रीज़न फॉर ट्रेड में ट्रांसफ़र टू ओन अकाउंट सिलेक्ट कीजिएगा।
उसके बाद आप ओके पे क्लिक करिए और फिर आपको सभी ISIN की डिटेल्स नीचे दिखेंगी। वो सभी डिटेल्स क्रॉस चेक करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 5, सबमिट करने पर क्लिक करने के बाद आपको एक टेम्प्ररी ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, फिर आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करें। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस देख पाएंगे जिन्हें सिलेक्ट करके आपको कमिट बटन पे क्लिक करना है। कमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसे आपको एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आपको अपना 6-डिजिट ईजीएस्ट का पिन डालना होगा। ये पिन आपके ईमेल पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम आया होगा। स्टेप 6, पिन एंटर करने के बाद आपके एंड से ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर की तरफ से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और जैसे ही ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपके शेयर्स ग्रो डीमैट अकाउंट में विदिन 2 working days रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और फाइनली ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप अपने सभी एक्सटर्नल होल्डिंग्स को ग्रो के डैशबोर्ड पर देख पाएंगे। तो इस तरह आप आसानी से घर बैठे बैठे ही किसी भी और डीमैट अकाउंट से अपने शेयर्स ग्रो के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। होपफुली ये ट्यूटोरियल आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.